हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। तो आज का ये जो वीडियो है, जैसा कि यहाँ पे कीव में, यूक्रेन में कल से जो है वेदर वो बहुत ही ठंडा हुआ हुआ है और जो है बहुत ही ज़्यादा स्नो हुई है। कल से तकरीबन 24 घंटे से स्नो चल रही थी, आज ही जाके रुकी है। तो आज हम निकले थे, ज़रा हमने कहा सैर कर लें, विज़िट कर लें कीव सिटी का, कि ये स्नो में कैसा दिखता है और यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है, स्नो में क्या सूरत हाल होती है, वही सारी चीज़ें जो है वो आज इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। और अभी जो है हम मौजूद हैं वो सिटी सेंटर पे, और अभी हम जाएंगे डिनेप्रो रिवर पे, क्योंकि वो बिल्कुल फ्रेज हुआ हुआ है, बिल्कुल स्नो पर स्केटिंग करते हैं यहाँ के जो लोकल होते हैं। वो सारी चीज़ें जो हैं हम आपको जो है वो इस वीडियो में दिखाएँगे। तो चलो वहीं चलते हैं डिनेप्रो रिवर की तरफ। यहाँ सामने जो है पीछे से चलेंगे सीधा आर्क, और आर्क के बाद जो पेडेस्ट्रियन ब्रिज है कीव का डिनेप्रो के ऊपर, वहाँ चलेंगे और वहाँ पे सीन चेकआउट करेंगे कि किस तरीके से जो है यहाँ पे वो स्नो होती है और क्या सीन होते हैं। तो आज का जो टेम्परेचर है वो है -4 के करीब, पर जो कल का टेम्परेचर था वो बहुत ही ज़्यादा था, तकरीबन -11 के करीब था जिस टाइम स्नो हो रही थी। कल भी हुई, रात को भी हुई, अभी जाके बंद हुई है, और गूगल का वेदर यही बता रहा है कि फिर से जो है वो स्नो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। जैसे आप देख सकते हो ये पीछे, ये सारे इन लोगों ने अभी तो स्नो जो है साइड किया हुआ है जो रास्ते हैं वहाँ से, पर इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि बहुत यहाँ पर जो है स्नो हुई है। और जो टेम्परेचर है अभी जैसे -3 है, और रियल फील ज़्यादा बता रहा है, और जो एग्जैक्ट होता है वो होता भी रियल फील है। और इस स्नो से यही पता चलता है कि जो ज़्यादा स्नो हुई है इस साल कीव में, यूक्रेन में, वो फेब्रवरी में हो रही है। मतलब जो पिछले मंथ से जो स्नो हुई थी, फर्स्ट स्नो या जो भी थे, उसमें इतनी स्नो नहीं हुई थी, टेम्परेचर ज़्यादा गया था, -30 पर भी गया था जनवरी में, पर स्नो जो है ये वाली ज़्यादा हुई है इस बार फेब्रवरी में। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये बहुत ही प्लीजेंट वेदर है घूमने फिरने का, यहाँ के लोग बहुत इंजॉय करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब जो है सर्दियाँ कम हो रही है, वरना तो -25 या 30 नॉर्मल टेम्परेचर होता था किसी टाइम में यहाँ पर अब जो है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर कम हो रही है, तो इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि टेम्परेचर तो वैसे भी कम हो रही है। यहाँ पर लोग आते हैं, घूमते हैं, और बच्चों के साथ आते हैं, बहुत मौज मस्ती करते हैं, ओवरऑल बहुत इंजॉय करते हैं। पर जो लोग इस सर्दी में नहीं रहे हैं उनको मसला होता है यहाँ पर जो है अपने शुरू वाले, या जो फर्स्ट विंटर होता है, सेकंड विंटर होता है, उसमें उनको मसला होता है सरवाइव करने में। और वैसे भी अब जो है वो हम जो है पहुँचने वाले हैं यहाँ आर्क पे। आर्क के बाद आपको आर्क पर रुक के ही आपको दिखाएंगे कि पूरे सिटी का कैसे जो है वो व्यू आता है विंटर में।
हाँ तो भाई लोग, आपने जो है यहाँ जो फ्रेंडशिप ऑफ नेशन आर्क है उसके सीन चेकआउट कर लिए होंगे। तो ये जो पीछे है ये इन्होंने दिसंबर में लगाया था, क्रिसमस के टाइम, और अभी तक लगा हुआ है। यहाँ पे जो है वो डिफरेंट डेज पर जो है वो प्रोग्राम वगैरह होते रहते हैं, लेकिन आज तो कुछ भी नहीं है हमारी किस्मत में देखने के लिए। ये क्लोज है, सिर्फ रेस्टोरेंट ही वहाँ से खुला हुआ है। और अभी जो है हम वहाँ नीचे जाएंगे, जो पेडेस्ट्रियन ब्रिज है डिनप्रो की तरफ, वहाँ पे भी देखेंगे। अभी जो है वो पूरा फ्रेज जो है नहीं हुआ हुआ, जो कि डिनप्रो रिवर है, कुछ कुछ जो है पानी उसमें अभी आ गया है, क्योंकि टेम्परेचर अभी कम हो गया है। जैसा कि सालार ने बताया था, जनवरी में जब -20 और -25 था टेम्परेचर, तो उस टाइम पूरा ये फ्रोज हुआ हुआ था, लेकिन अभी जो है वो थोड़ा सा पानी उसमें आ गया है, पूरा बिल्कुल जो है वो फ्रोज नहीं है। तो अभी वहाँ पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या सीन है वहाँ पर। अभी हम जा रहे हैं ब्रिज की तरफ, लेकिन यहाँ पे जो है ये बहुत सारे स्टेयर्स हुआ करते थे विंटर में, लेकिन अभी तो स्नो में सब कुछ ढका हुआ है, तो बहुत ही ख्याल से चलना पड़ रहा है यहाँ से। चलो देखते हैं क्या होता है आगे। जैसे आपने देखा होगा, अभी आज जो है वो वर्किंग डे है और रात भी होने वाली है, तो इस वजह से आपको लोग दिखाई नहीं दिए होंगे, वरना ये लोग जो हैं वो आते हैं यहाँ पर जब भी इनकी छुट्टी होती है, ऑफिसेज की छुट्टी होती है, तो फिर जो है ये आइस फिशिंग करते हैं यहाँ पर। जब फर्स्ट टाइम इस विंटर में जब आइस हुआ था, डिनप्रो फ्रेज हो गया था टोटली, तो यहाँ पर बहुत से लोग देखने को मिले थे और न्यूज़ वगैरह में भी आया था, जो भी मतलब लोग आ रहे थे खेलना या फिशिंग, जो भी आइस फिशिंग लोग पसंद करते हैं वो सारे लोग यहाँ पर आए थे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और जो यहाँ का रियल विंटर होता है उसका जो है आपको अंदाज़ा हो गया होगा, और जो स्नो वगैरह होती है उसके भी सीन आपने जो है वो देख लिए होंगे। और जो है हम इंफॉर्मेटिव वीडियोस तो डालते ही रहते हैं, लेकिन ऐसे व्लॉग्स भी डालते रहते हैं, जैसा कि हमने पिछली वीडियोस भी डाली हैं कुछ हैप्पी न्यू ईयर और क्रिसमस की, तो वो आप भी चेक आउट कर सकते हैं और देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो किस तरह से होता है। और इन द लास्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में।